यामिनी, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ 10 मेकअप लुक। अगेन ये एक इंस्पायर्ड पेंटिंग इंस्पायर्ड मेकअप लुक है, और जिस पेंटिंग से इंस्पायर्ड होकर के मैंने इसे क्रिएट किया है वो थंबनेल पे आपने देख लिया है, प्लस आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और ये पिक कहाँ से मुझे ली, मैंने किस इंस्टा आईडी से ली है, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप मुझे और कोई आइडिया सजेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई मेकअप लुक सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं इंस्टा पर। इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी, पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा पसंद आया या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का मिस्ट। अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है ताकि मेरा फेस अच्छे से हाइड्रेट रहे, और स्किन थोड़ी सी इस टाइम डैमेज हो रही है इसलिए मैं फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। फरसाली का फेस सीरम है जो कि एक ट्यूब वाला है, बट बहुत अच्छे से आपकी स्किन को जो है हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। DIY लिप बाम यूज़ किया है लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने लिया है जॉय की ये सन ब्लॉकेज एंटी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, लिटिल बिट आपको कवरेज भी दे देती है। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है इनसाइड का ये 2-in-1 प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और आपकी बेस को बहुत अच्छा सॉफ्ट कर देता है। थोड़ा सा कलर कैरेक्टिंग कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, और मालियों का कलर कैरेक्टर लिया है मैंने, मेरा शेड है इसमें 303। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा कलर कैरेक्टर है, प्लीज़ आप एक बार इसको ट्राई करो। मैं भी इसकी रीबाइंग ही करूँगी जब ऑफलाइन मार्केट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एकदम ज़्यादा हार्श ना लगे। और फर्स्ट हम पहले करेंगे अपना आई मेकअप। कंसीलर के लिए मैंने लिया है हाफ एंड हाफ का SD प्रो कंसीलर, मेरा शेड है 04। इस टाइम पे मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लिपसिंग हो रही है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यू कैन सी कि बहुत ही अच्छा कवरेज मुझे मिल चुका है। इसे सेट करने के लिए मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट लिया है, अच्छे से इसको सेट कर लिया है मैंने। आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए मैं ले रही हूँ मार्स का ये आईब्रो किट। अगेन यूज़ 3-in-1 आईब्रो किट है क्योंकि इसके संग आपको एक ब्लैक कलर का पेंसिल भी मिलता है। दोनों शेड को मिक्स करके एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ क्योंकि इस पिक्चर में जो आईब्रोज फिल इन थी वो ब्लैक कलर से फिल इन थी। नेक्स्ट मार्स का ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, बहुत सारे मैट शेड्स आपको मिल जाते हैं। इससे एक ब्राइट रेड शेड पिक किया है मैंने बिगर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। अपनी क्रीज के नीचे आपको इसको ब्लेंड करना है, बट हल्का सा विंग निकालते हुए, ताकि जब अपनी आप आईज़ को थोड़ा सा ओपन रखते हो ना तो हल्का सा वो आउटर में रेड शेड दिखे। आपने इमेज में आके देखा ही होगा, काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि मेरा आई मेकअप उसी तरीके से रहे। इनकी क्रीज भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड होती है, बट ये क्रीज पर कोई शेड नहीं लगाते हैं। सो अच्छे से मैंने इसको बिल्डअप किया है, और जितना ज़्यादा आप इसको बिल्डअप कर सकते हो उतना ज़्यादा बिल्डअप करो ताकि आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगे। और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अगेन मैंने रेड शेड पिक किया है और अप्लाई किया है। एक एंगल ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड को पिक कर रही हूँ और अपनी क्रीज में हल्का हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब मैं अपनी आईज़ को ओपन करूँ तो मेरी क्रीज दिखनी चाहिए। बहुत ही डिफरेंट आई मेकअप है, बहुत ही प्यारा मेकअप है। और फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है रेड एंड वाइट का फोटो फोकस फाउंडेशन, मेरा शेड है आइवरी बेज। बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने ज़्यादा लिया है ताकि मुझे फुल कवरेज मिल जाए। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है, 30 रुपीज़ में आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है। नेक्स्ट का ये ड्यूब वाला है, ओरिजिनल नहीं है, बट बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो ऑल ओवर फेस पे मैंने अप्लाई किया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही अप्लाई किया था ताकि मुझे अच्छा कवरेज मिल जाए। सेम मैंने कंसीलर लिया है हाफ एंड हाफ का SG प्रो कंसीलर। यूजली जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन है और डार्कनेस है वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो इस ब्लेंडर की शेप बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आप इस तरीके से कॉर्नर वाली जगह पे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, कॉर्नर्स बहुत अच्छे हैं इसके तो ब्लेंड करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट मैंने स्पीन्स की बीबी क्रीम ली है और उसको अपने लैक में सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पर थोड़ा सा डाल दिया ताकि प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और बाद में भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं अच्छे से उसे यूज़ कर सकती हूँ। तो ऑल ओवर फेस को इस तरीके से मैं बेक करूँगी बिकॉज की समर्स है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जब हम हेयर स्टाइल करते हैं, बेसिकली मेरे साथ ये चीज़ होती है। लैक्मे का इंस्टा लाइनर लिया है, पहले मैंने इतना नोटिस नहीं किया था इसलिए पहले मैंने इसे सिर्फ सिंपल से लगाया, बट बाद में इसको मैं थोड़ा सा हैवी विंग में चेंज कर लूँगी, आगे आप वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट मैंने एलिटीन 18 का आइड्रामा काजल लिया है, अपनी वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और जो मैंने क्रीज पर अपना रेड शेड लिया था एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से
उसे अपने काजल के नीचे थोड़ा सा स्मोक आउट कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा रेड टच भी दिख रहा था मुझे उस इमेज में। जो भी एक्सेस पाउडर है उसको मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी। यू कैन सी कि बहुत अच्छे से फेस ब्राइट हो चुका है, और इस तरीके की बेकिंग करने से आपके फेस पे जो स्वेटिंग है वो कंट्रोल रहती है, एकदम से स्वेटिंग नहीं होती है। और मस्कारा के लिए मैंने लिया है लैकमे का ये आइकॉनिक मस्कारा। यू कैन सी आईब्रो के पास में आई डोंट नो कहाँ से ब्लैक कलर लग गया था, और आज ये चीज़ मेरे संग बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो उसको मैंने अच्छे से पहले क्लीन कर लिया, ड्राई होने के बाद आप क्लीन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर ब्लशर पैलेट, और इससे ये ब्राउन शेड लेकर के थोड़ा सा हैवी ब्लशिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ब्रॉन्जिंग ज़्यादा है ब्लशिंग से, और बहुत ज़्यादा ब्राउनिश फेस था इसमें। बट मेरा फेस और उनका फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, उनका लंबा फेस है मेरा गोल फेस है, तो थोड़ा सा मेकअप चेंज लगेगा। बट मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा उसको मैच कर सकूं, और यू कैन सी कि इस तरीके से नोज़ को भी मैंने ब्रॉन्ज अप कर लिया है। SFR का ये ब्लश ले रही हूँ, मेरा शेड है ऑरेंज कोरल, बहुत अच्छा ब्लश है, पिगमेंटेशन अच्छी है, तो हैवी ब्लशिंग की है मैंने। और मेकअप रेवोल्यूशन का सेम ब्लशर हाइलाइटर ब्रॉन्जर पैलेट से मैं फिंगर की हेल्प से ऑल ओवर फेस पे अच्छे से हाइलाइटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल लाइटली हाइलाइटिंग करेंगे, और एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा बाद में ठीक कर लूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लाइनर यहाँ पर उन्होंने बोल्ड लगाया हुआ था, तो मैंने बोल्ड लाइनर में इसको चेंज किया और बहुत ज़्यादा थिक किया। बट मैंने जितना किया था कि बहुत ज़्यादा विंगी लाइनर मैंने अप्लाई किया था, बट फिर भी आई थिंक इससे ज़्यादा विंग होना चाहिए था, मुझे ऐसा फील हुआ। और यहाँ पर अगर मैं आईलैशेस लगाती तो शायद मेरा मेकअप और ज़्यादा इनहेंस होता, बट इस टाइम पर मेरे पास आईलैशेस नहीं है, पुरानी जो थी वो फिनिश हो चुकी है। लिपस्टिक के लिए मैंने सिस ब्यूटी की ये सॉफ्ट क्रीम स्टिकली है, इसका बैंग लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज कि मुझे अभी शेड याद नहीं है, बट बहुत ही अच्छा ब्राइट रेड शेड है। और इसी के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बाउंड्री दिया था ब्लैक काजल से, जो मैंने काजल अप्लाई किया था अपनी आंखों में वही काजल मैंने इसे बाउंड्री के लिए यूज़ किया है। इससे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं लिप्स गाइज, आप अगर इस तरीके का ट्राई करना चाह रहे हो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। प्लस इसमें मैंने नोटिस किया इमेज में कि ये जो लिप्स थे वो ओम्ब्रे इफेक्ट टाइप के लिप्स थे, लाइक बहुत ज़्यादा ओम्ब्रे इफेक्ट आ रहा था पिंक टोन का, तो मैंने जो कंसीलर यूज़ किया था उसे फिंगर पे लेकर के टैप टैप करके थोड़ा सा अप्लाई कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे वही ओम्ब्रे इफेक्ट मिल पाया, क्योंकि इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वेड एंड वाइट का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है, आई थिंक ये ख़राब हो चुका है पंप इसका। आप देख सकते हो इस तरीके का मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है विद दिस ओम्ब्रे इफेक्ट लिपस्टिक, और कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल के ऊपर जो बंद होता है वो बना सकते हैं। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेसअप हो जाता है एंड ज्वेलरी हो जाती है। और जो इमेज थी वो मैं अगेन आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप देख सकते हो कि कितना हद तक मैंने मैच करने की कोशिश की है ज्वेलरी मेकअप, और ऑलमोस्ट कोशिश की है कि मैं सेम कर सकूँ। अगर मैंने किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।